अस्सलाम गाइस, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। आज है चांद रात का दिन। मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब था। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा डेकोरेशन का सामान है। आज था चांद रात का दिन, इसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग बना ही लिया जाए। और मैंने अपने फेस पर काफ़ी सारा मुल्तानी मिट्टी लगाया है और अपने नेक पर भी मुल्तानी मिट्टी लगाया है। और मैंने अपने हाथों में ना इस पर एकदम सिंपल सा मेहंदी लगवाया, देख सकते कितना सिंपल मेहंदी है। आज है ईद का दिन, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं नहा करके चुकी हूँ और मैंने ये पिंक कलर का फ्रॉक पहन रखा है। ऐसा सेम टू यू फ्रॉक जैनब के पास भी, मेरा और जैनब का फ्रॉक ये सेम है। और मैंने अपने बालों को ना गोल गोल पंजाबी की तरह कर रखा क्योंकि मेरा बाल बहुत ही ज्यादा गीला था। यहाँ पे काफी सारा सामान फैला हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा सामान फैला हुआ। और इसी फ्रॉक के साथ ये छोटू सा ना दुपट्टा दिया ला जिसको मैंने अपने नेक में फंसा लिया। आज ईद है, इसकी वजह से मुझे खुशी तो बहुत है लेकिन रमजान के जाने का गम ना कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा। आपको भी बहुत ही ज्यादा गम होना। और मैंने ये छोटू सा इयररिंग पहन रखा है और मैंने ये गोल्डन कलर का बैंगल भी पहन लिया और मैंने ये गोल्डन कलर का हेयरबैंड भी लगा लिया। मेरा जैनब का हेयर बैंड सेम है, दोनों का गोल्डन गोल्डन है। और मैंने मेकअप कर लिया, इस बार मैंने ना सिंपल सा मेकअप किया, बस पाउडर लगाया है। और मेकअप करने के बाद मैंने ये गार्डर भी ले लिया, मैंने सोचा गार्डर लगा लेती हूँ। और ये रहा मेरा वॉच, वॉच मुझे काफ़ी ज़्यादा ढील हो रहा था इसकी वजह से मैंने वॉच नहीं पहना। और ये है मेरा गॉगल, गॉगल मेरा ब्लैक कलर का है जिसको मैंने खली खरीद करके लाया और मैंने गॉगल भी पहन करके ट्रायल कर लिया। और ये है मेरा छोटू सा पर्स जो इसी पर दिएला है। ये है मेरा पिंक कलर का बूट जिसको मैंने पहन लिया और ये मैच भी कर रहा था, पिंक था ना, इसके वजह से मैं बाहर आ चुकी हूँ। और मैं बाहर का डेकोरेशन दिखाती हूँ, ये देखिए बाहर का डेकोरेशन कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे में ईद मुबारक लिखेला है। और ये वाला मेरा एक और पर्स जो बड़ा है, उससे बड़ा साइज का पर्स है जिसके अंदर मैं छोटू वाला पर्स डाल देती हूँ। डालने के बाद इसका चैन बंद कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ क्यों ना एक बार चेक करती हूँ कितने पैसे, और मैंने चेक किया तो बहुत ही ज्यादा कम पैसे थे। फिर मेरे को याद आया मेरे को तो सबसे दी लेने बाकी है। फिर मैंने अपने पर्स को बंद कर लिया फिर से। और बंद करने के बाद मैंने ये जैनब का गॉगल देखा जिसको मैंने देखने के बाद बोला एक बार फिर से मैं जैनब का गॉगल ट्राई करती हूँ। जैनब का गॉगल भी मेरे पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, ये व्हाइट कलर का गॉगल था जैनब का। और ये देखो गाइस प्रिंसेस को, प्रिंसेस भी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। उसने सिंपल सा बस टी शर्ट और जींस पहने, उसको अपना न्यू वाला फ्रॉक पहनना बाकी। और ये उसका पॉपेट वाला पर्स है। और अभी मैं घूमने के लिए जा रही हूँ स्मार्ट पॉइंट, अभी मैं स्मार्ट पॉइंट घूमने के लिए मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। अभी मैं खाने के लिए जा रही हूँ छोले भटूरे, यहाँ पे ना रास्ते में काफी ज्यादा धूप है। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ छोले भटूरे वाले दुकान पे, यहाँ पे भटूरा फुला फुला सा। और मेरे सामने में जैनब भी बैठे लिए। और अभी हम लोग मयूर से जा रहे हैं मलमल, मलमल में बहुत ही बड़ा मेला लगता है, इसकी वजह से हम लोग जाते हैं, हम हमेशा हर साल जाते हैं घूमने के लिए। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं मलमल, यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी वाला झूला लगेला है और उधर ना आसमानी वाला झूला लगा है। जैनब तो बहुत ही ज्यादा मजा करी, बहुत ही इंजॉय करी। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भी था लेकिन मैं नहीं गई, मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर भी लगता रहता है। वैसे तो मैं जाती हूँ बट इस बार मैं नहीं गई और जैनब ने बहुत ही ज्यादा इंजॉय करी। जैनब तो मेरे को बोल रही थी मेरी वीडियो शूट कर, बार बार मेरे को वही बोल रही थी जैनब, मैं जैनब की वीडियो शूट करी हूँ। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, बाय।